नमस्कार, दिन समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा, माफी मांगो या फिर मुकदमे का सामना करो। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से कहा कि वह महात्मा गांधी की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दोषी ठहराने संबंधी बयान के लिए माफी मांगे या फिर मुकदमे का सामना करें। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने कहा कि आप इस तरह किसी संगठन पर आक्षेप नहीं लगा सकते। मुकदमे की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। संसद में पूरी तैयारी के साथ आए भाजपा सांसद नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सांसदों से लोकसभा और राज्यसभा में पूरी तैयारी के साथ आने का अनुरोध किया है ताकि किसी भी विषय पर स्तरीय चर्चा की जा सके। मोदी ने मंगलवार को यहां भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सांसद कड़ी मेहनत से सदन में आने वाले विषयों की तैयारी करें जिससे चर्चा का स्तर बहुत अच्छा हो। उन्होंने सांसदों से सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का अनुरोध किया जिससे वे अधिक से अधिक विकास योजनाओं का लाभ ले सकें। मोदी ने कहा कि सरकार के 2 वर्षों के दौरान जो कामकाज हुआ है वह संतोषजनक है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा छोड़ी, पत्नी ने कहा मैंने नहीं दिया इस्तीफा। क्रिकेट से राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने मंगलवार को साफ किया कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा से भी इस्तीफा दे दिया है। उनकी विधायक पत्नी ने कहा कि इस फैसले पर दोबारा विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। अमृतसर पूर्व से विधायक और शिअद भाजपा सरकार में प्रमुख संसदीय सचिव कौर ने कहा कि मुझे लगता है कि सिद्धू ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि वह क्या करने जा रहे हैं और आने वाले समय में उन्हें अपने भविष्य की योजनाओं के साथ सामने आने दीजिए। उन्होंने कहा कि वह पंजाब की सेवा करना चाहते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा ने कहा, परमाणु हमले से लाखों को मार सकती हूँ। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी थेरेसा मे ने एक सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि वह जरूरत पड़ने पर परमाणु हमला कर लाखों लोगों को मार सकती हैं। ब्रिटिश पीएम के इस बयान से ब्रिटेन समेत दुनिया भर के नेता हैरान रह गए। मामला उस वक्त का है जब ब्रिटिश संसद में ट्राइडेंट न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के नवीनीकरण पर चर्चा की जा रही थी। चर्चा के दौरान सांसद जॉर्ज क्यूवेन ने पीएम थेरेसा सवाल पूछ लिया कि क्या आप परमाणु हमले के लिए तैयार हैं जिसमें लाखों पुरुष, महिलाएं और बच्चों की मौत हो सकती। सवाल के जवाब में ब्रिटिश पीएम ने एक शब्द कहा, यस। ताइवान में चीनी पर्यटकों को लेकर जा रही बस में आग, 26 की मौत। चीनी यात्रियों को लेकर जा रही एक पर्यटक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद उसमें आग लग जाने से 26 व्यक्तियों की मौत हो गई। बस में 24 चीनी पर्यटक सवार थे और वह 8 दिन की ताइवान यात्रा पर थे। मृतकों में ड्राइवर और गाइड भी शामिल है। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।